हाय गाइस, कैसे हो फिलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लेनोवो के मोबाइल को फॉर्मेट कैसे कर सकते हो। बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि लेनोवो का मोबाइल फॉर्मेट नहीं होता, तो आज हम लेनोवो को फॉर्मेट करके दिखाएंगे आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मोबाइल सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे लेना है, नीचे लेना है तो आपके देखिए यहाँ पे नाम होता है बैकअप एंड रीसेट। अगर नाम नहीं आए तो आप यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक करके भी नाम देख सकते हो, या एडिशनल सेटिंग में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए सीधा आ चुका है। ठीक है, बैकअप एंड रीसेट इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे इस ये ऑन नहीं रखना, इसको ऑफ ही रखना है। ठीक है, इसको ऑफ रखने के बाद यहाँ देखिए नीचे देखिए फैक्ट्री डाटा रीसेट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिस इस पर क्लिक करोगे आपके सारे मोबाइल की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे देगी। फिर आपको यहाँ पे देखिए चेक करना है, इस पर जो आ रहा है बटन फॉर्मेट इंटरनल स्टोरेज, इसको आपको चेक कर देना है। ठीक है, टिक कर देना है इस पर, और यहाँ पे रिसेट फोन पर क्लिक कर देना। रिसेट फोन पर क्लिक करने के बाद कोड मांगेगा, कोड आपको लगा देने हैं, कोड मैंने लगा दिए हैं, और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए इरेज एवरीथिंग, इरेज एवरीथिंग पर क्लिक कर देना है। इरेज एवरीथिंग पर जैसे क्लिक करोगे तो अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, और अपने आप स्विच ऑफ होके ये खुल जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे स्विच ऑफ होने के बाद वापस से दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने आप स्विच ऑन हो गया है, मैंने कोई भी बटन नहीं दबाया है, और अपने आप ये फॉर्मेट होने लगेगा। यहाँ देखिए इरेजिंग आ चुका है, और धीरे धीरे फॉर्मेट होगा। तो यहाँ पे पूरा 5 मिनट लेगा ये, तो इसको फॉर्मेट होने देते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ आगे की प्रोसेस में। तो यहाँ पे गाइस ये अपने आप स्विच ऑफ ऑन हो चुका है, स्विच ऑन हो चुका है। उसके होने के बाद यहाँ पे सिर्फ लगभग 30 से 40 सेकंड लगे, और यहाँ पे अपने आप स्विच ऑन हो चुका है। और यहाँ पे लेनोवो का वाइप KFi प्लस मोबाइल है मेरे पास में, आपका भी अगर लेनोवो का मोबाइल है तो इस तरीके से आप उसको फॉर्मेट कर सकते हो। तो गाइस उसका अपने आप स्विच ऑन हो चुका है, और यहाँ पे देखिए ये जगबुज हो रहा है और अपने आप खुल जाएगा। अभी आप खुद देख लेना, आपके सामने पूरा लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, बीच बीच में पुश कर रहा हूँ तो आप ये मत सोचना कि मैंने कुछ गड़बड़ की है, मैं कोई गड़बड़ नहीं करता। यहाँ भी देख सकते हो नीचे लाइन चल रही है, ये लाइन पूरी चलेगी ना तब ये पूरा होगा। तो इसको पूरा होने देते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ मैं। कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा ये। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है इसको, फिर आपको स्किप कर देना है। ठीक है, स्किप करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये वाईफाई मांगेगा, तो यहाँ पे हम वाईफाई दे देंगे इसको। अभी ये स्किप नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको अपनी पहले से जीमेल आईडी याद होनी चाहिए, इसलिए स्किप नहीं हो रहा। तो मैं वाईफाई देता हूँ इसको। तो यहाँ भी देखिए पोको एक्स टू आ गया, इसको जोड़ देते हैं। तो वाईफाई जोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार से चलेगा, तो इसको चेकिंग कनेक्शन होने देते हैं। ये पूरी पूरी यहाँ भी देखिए 2 मिनट लिखा हुआ है, दिस कैन टेप 2 मिनट्स। तो हमें 2 मिनट हम इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है या नहीं आता है। तो फिर इस प्रकार से सॉफ्टवेयर अपडेट चलेगा, इसको भी हमें चलने देना है। ये भी थोड़ी टाइम लेगा, 2 मिनट लेगा पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ पे होने के बाद ये चेकिंग इन्फो चलेगा। ठीक है, अभी आप देख लेना सामने कि ये जीमेल आईडी मांगेगा, तो हम यहाँ पे जीमेल आईडी लगा के इसको खोल लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम स्किप भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे मैं स्किप भी कर सकता हूँ जीमेल आईडी को। यहाँ पे देखिए स्किप बटन आ रहा है, मैं स्किप कर देता हूँ यहाँ पे, एंड इसको स्किप कर देते हैं, यहाँ से इसको स्किप कर देते हैं। अब हमें कोई भी आईडी नहीं लगानी पड़ी। ठीक है, हमारी जीमेल आईडी नहीं लगानी पड़ी, और सीधा वाईफाई जोड़ के पूरा ये ऐसा हो चुका है। अब इसमें यहाँ पे कोई भी नाम लिख देते हैं, हम यहाँ पे नाम लिख के इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आप देख लो यहाँ पे मांग रहा है लॉक, नहीं लगाना है, मैं स्किप कर देते हैं, स्किप एनीवे। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको इस नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए पूरा लोड हो चुका है, और हमारा मोबाइल पूरा तरीके से फॉर्मेट हो चुका है। आप देख सकते हो जैसा नया आया था वैसा हो चुका है। लेनोवो का वाइप KFi प्लस है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।